तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश क्लास 9 का एक नया चैप्टर, अ मैन हु न्यू टू मच बाय अलेक्जेंडर बैरन। इसमें एक ट्रेनिंग रिपोर्ट यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वॉर्स में फाइट करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें कहानी है एक बंदे की जिसका नाम है क्वेल्च, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट क्वेल्च। प्राइवेट क्वेल्च का मतलब है कि एक ऐसा सोल्जर जो कि अभी उसे कोई रैंक नहीं मिला है, मतलब वो भी प्रिपेयर कर रहा है सोल्जर रैंक को हासिल करने के लिए। मैं पहली बार, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं पहली बार प्राइवेट क्वेल्च से ट्रेनिंग रिपोर्ट में मिला। वो ऐसा इंसान था, वो इतना इंटेलिजेंट था, वो इतना लायबल था कि वो अब रेडी था कि अब आर्मी लाइफ को वो ज्वाइन कर सके। वो अपने यूनिफॉर्म में था विथ राइफल एंड इक्विपमेंट्स, और उसे एक निकनेम भी मिल चुका था। उसका क्या निकनेम था? तो वो निकनेम था प्रोफेसर। अब उसे प्रोफेसर ऐसा क्यों निकनेम मिला? क्योंकि किसी भी बंदे को जब कोई डाउट होती थी तो बस उसे जाके वो 5 मिनट जब बात कर लेता था तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। अब कुछ बातें प्राइवेट क्वेल्च के बारे में बताई गई है। वो एक लैंकी यानी कि दुबला पतला सा, स्टूपिंग यानी जो थोड़ा झुक के चलते हैं, और ऐसा बंदा था। और उसने एक हॉर्न रिम्ड स्केप्टिकल यानी चश्मा लगा रखा था। मुझे याद है कि हमारा जो पहला लेसन था वो मस्केटरी का था। मस्केटरी होते हैं वेपन्स, और उसके बारे में था। हम सब एक सर्कल बना के सर्जेंट यानी कि कांस्टेबल जो बता रहा था उस वेपन के बारे में, उसके हम सर्कल बना के खड़े थे। वो जो सर्जेंट था वो एक काला ड्राइड एज अ रेजिन, मतलब कि बहुत खड़ूस टाइप का था, और उसने एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन पहन रखा था। फ्रंटियर रिबन ये होता है कि कोई भी जब बंदा ऑफिसर रैंक प्राप्त कर लेता है तो उसे रिबन्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, तो वो अपने यहाँ पे शोल्डर पे लगा कर रखता है। तो उसे उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन लगा रखा था, और राइफ़ल के बारे में, सर्विस राइफ़ल के बारे में हमें बता रहा था। उसने हमसे कहा कि जो बुलेट निकलती है इस राइफ़ल से उसकी स्पीड 2000 फीट पर सेकेंड है। तब तक पीछे से एक वॉइस आई, 2440 फीट पर सेकेंड। अब ये कौन था? तो जी हाँ, ये प्रोफेसर था जो काफ़ी इंटेलिजेंट था और अपने आप को शो ऑफ करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था हमेशा। जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे वो अपना ज्ञान दिखाने लगता था। सर्जेंट ने कहा बिल्कुल सही, और बिना कुछ कहे आगे उसने लेक्चर को कंटिन्यू करा। जब लेक्चर ख़त्म हो गया तो प्रोफेसर ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, और वो बार बार क्वेश्चंस क्वेल्स से ही पूछते थे, प्राइवेट क्वेल्स से ही पूछते थे। अब शायद उनके मन में उससे बदला लेने का मन हो, तो बार बार टफ क्वेश्चंस क्वेल्स से पूछते थे, लेकिन क्वेल्स हर बार बाय हार्ट उनके जवाब दे दिया करता था। फिर सार्जेंट ने प्रोफेसर से पूछा, क्या तुमने कभी पहले ट्रेनिंग ली है? तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, नो सार्जेंट, इट्स ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। अब इंटेलिजेंट रीडिंग क्या होती है? बहुत लोग हमारे जैसे होते हैं कि जो रीड करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता क्या रीड कर रहे हैं, बस रीड करते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रीड करते हैं और साथ ही साथ समझते भी जाते हैं, तो वैसे रीडर्स को कहते हैं इंटेलिजेंट रीडर्स, और वैसे रीडिंग को इंटेलिजेंट रीडिंग कहते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्वेल्च से, और वो हमेशा अपने नॉलेज को शो करता रहता था, सबको दिखाता रहता था, और हम मानते भी थे कि हाँ वो बहुत नॉलेजेबल बंदा था। और वो भी श्योर था कि मैं जल्द ही अपना स्ट्राइप ले लूँगा और कमीशन में मतलब चला जाऊँगा, मतलब कि एक अच्छे पोस्ट पे मैं भर्ती हो जाऊँगा। और
मुझे स्ट्राइप मिल जाएगा। स्ट्राइप क्या होता है? स्ट्राइप एक वी शेप्ड बैंड होता है जो इंडिकेट करता है सोल्जर के रैंक को, मतलब जैसा जो बैंड है वैसा सोल्जर का रैंक। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता था। वो एक दिन ट्रेनिंग मैनुअल्स लाया और पूरी रात जग के पूरा सारे मैनुअल्स पढ़ गया। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर अगले क्लासेस में इंस्ट्रक्टर को अपने क्वेश्चन से परेशान कर दिया करता था। वो काफ़ी उत्साहित रहता था जब भी हम रूट मार्चेस पे जाते थे और कभी भी थका सा फील नहीं करता था, हमेशा खुश रहता था और हमें भी अपनी दरिया दिली से हमेशा प्रोत्साहित करता रहता था। उसकी जो सैल्यूट करने की स्टाइल थी वो कमाल की थी। और जब भी कोई ऑफिसर आसपास होता था तो वो अपने स्किनी आर्म्स यानी दुबले पतले आर्म्स को एकदम चलाता हुआ उन्हें शो करता था कि मैं भी काफ़ी इंथुजियास्टिक हूँ, काफ़ी फिट हूँ, और गार्ड्समैन की तरह कैंटीन की तरफ मार्च कर जाता था। और पूरे दिन रात वो लेक्चर हमें देता रहता था और अपने नॉलेज को का बखान करता रहता था। शुरुआत में हमारी कुछ रिस्पेक्ट, हम उसे कुछ रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन जल्द ही वो रिस्पेक्ट उसके टेरर अप्रोच में बदल गया। मतलब कि हमने उसे रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि वो हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करता रहेगा, हमेशा ज्ञान ही बांटता रहेगा। हम लोग हमेशा उस पर सरकाज्म वाले स्टेटमेंट्स देते थे, पास करते थे, और उस पर प्रैक्टिकल जोक्स भी बना डालते थे। लेकिन प्रोफेसर इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करता था क्योंकि वो बहुत बिजी था अपने स्ट्राइप के लिए वर्क कर रहा था, क्योंकि वो बहुत अपनी मेहनत पूरी स्ट्राइप को हासिल करने के लिए ही लगा रहा था। जब भी हम में से कोई कोई छोटी सी भी गलती कर देता था तो प्रोफेसर आके हमें पब्लिकली करेक्ट करने लगता था। और कोई बंदा कुछ अच्छे काम भी जब कर देता था तब भी प्रोफेसर उसमें से कोई गलती ढूंढ ही निकालता था। एक सुबह की बात है, मॉर्निंग में हमने अपने हट को क्लीन करा, टेंट को क्लीन करा, और उसके बाद उस दिन के ऑफिसर से उस दिन के लेक्चर को सुनने चले गए। हमने पूरी शांति के साथ उस दिन का लेक्चर सुना और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ हमारा तब प्रोफेसर ने धीमी आवाज़ में थैंक यू सर बोला और हम सब वहाँ से निकलने लगे। वो हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करता था, हमेशा सिखाने दूसरों को सिखाने की कोशिश करता था। अभी कह रहा था नो यू विल रुइन द राइफल, तुम राइफल को बर्बाद कर दोगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो बूढ़े व्यक्ति, ऐसे हर बार वो दूसरों को सिखाने में लगा रहता था।